कहाँ की तुलसा होती है? कितनी तुलसा होती है? तीन, रामा तुलसा, श्यामा तुलसा और विमला तुलसा। कौन सी तुलसा? विमला। विमला तुलसा एक ऐसी तुलसा होती है, उसको कथाकार होए चाहे वेद होए चाहे डॉक्टर हो उसको नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि विमला तुलसा का प्रमाण ये रहता है, लोग जो ईर्ष्या रखने वाले होते हैं, किसी के यहाँ शादी में मिठाई बन रही हो तो विमला तुलसा का अगर एक नखून से भी छोटा सा भाग उस चाशनी में डाल दिया जाता है तो वो पानी हो जाता है। इसलिए विमला तुलसा को लोग बताते नहीं है। एक विमला तुलसा होती है, अगर साल भर में एक बार विमला तुलसा का अंगूठे का नखून का जो भाग कटता है उससे भी छोटा सा भाग विमला तुलसा का साल में एक बार खा लो तो शुगर लेवल में बनी रहती है। तुम फिर कितना भी मीठा खाओ, कितना भी नमकीन खाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो खाओ। और चेक भी कराते रहो, डॉक्टर को जाके खूब चेक करो। विमला तुलसा का इतना प्रमाण होता है। पर विमला तुलसा को खाकर देखना, विमला तुलसा का नियम है, विमला तुलसा को खाने के बाद शक्कर खा के देखना, वो पानी जैसी लगना चाहिए, उसको मीठी नहीं लगना चाहिए, तो समझ लो विमला तुलसा। और अगर खाने पर अगर शक्कर मीठी लग रही है तो वो विमला तुलसा नहीं है। तीन तुलसा